सब्सक्राइब करें फिटर गुरु चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं टेप सेट के बारे में। टेप कितने प्रकार के होते हैं और टेप का प्रयोग क्या है, टेप कौन से मटेरियल का बना होता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आपसे। तो हम पहले आते हैं कि टेप किसे कहते हैं। तो टेप दोस्तों इंटरनल थ्रेड काटने वाला टूल टेप कहलाता है, जो गोलाकार सुराख में चूड़ी बनाता है और इसको हाथ एवं मशीन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह प्राइम हाई कार्बन स्टील और एलाय स्टील का बना होता है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, टेप हमेशा हाई कार्बन स्टील और एलाय स्टील का बना होता है। इसमें 2 फ्लूट 3 फ्लूट 4 फ्लूट के टेप मिलते हैं। जैसे फ्लूट तो आप लोग समझते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे ये टेप है दोस्तों, तो ये जो है ये फ्लूट होता है हमारा, ये होता है शैंक, ये होता है टैग और थ्रेड वाले भाग को बॉडी कहते हैं और ये होता है टिप यानी पॉइंट। तो भी हम बात करते हैं कि सेंग किसे कहते हैं, बॉडी किसे कहते हैं और फ्लूट किसे कहते हैं। तो टेप का वह भाग जिस पे चूड़ियां कटी होती है वह बॉडी कहलाती है। जैसे यहाँ पे चूड़ियां कटी हुई हैं तो चूड़ियां यहाँ टेपर तक, यहां तक ये पूरी बॉडी कहलाती है दोस्तों। और ये जो होता है ये हमारा टैग होता है। टेप के ऊपरी भाग, इसको अगर हम बोलें तो ऐसा बोलते हैं, टेप के ऊपरी भाग जहां पर वर्गाकार बना होता है, जहां पर टेप हैंडल लगता है, उसे हम टेप कहते हैं। ये फ्लूट होता है। फ्लूट टेप की बॉडी की लंबाई के समान 2 3 4 ग्रुप कटे होते हैं, किसी में 2 कटे रहते हैं, किसी में 3 किसी में 4 कटे होते हैं, उसे हम फ्लूट कहते हैं। इसका प्रयोग टेप से कटे हुए मटेरियल यानी चिप्स को बाहर निकालने के लिए और कूलेंट को अंदर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जैसे इस टेप में भी हील हमें दिख नहीं रहा है, टेप में हील भी होता है, तो हम आपको बताते हैं। ये जैसे यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे आप, हील है। ये वाला भाग हील होता है। ये बॉडी के पिछले वाला भाग हील कहलाता है। और टेप कितने प्रकार के होते हैं, एक सेट में टेप 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। ये पहला होता है बॉटमिंग टेप, जिसकी 1 से 1.5 थ्रेड टेपर होती है। दूसरा होता है प्लग टेप, ये बॉटमिंग टेप है दोस्तों, ये प्लग टेप है और ये है टेपर टेप। सबसे पहले हम टेपर टेप प्रयोग करते हैं, जिसकी 8 से 10 थ्रेड टेपर होती हैं। यहाँ किसकी आप देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की थ्रेड टेपर होती हैं, तो 8 से 10 थ्रेड। और प्लग टेप जो होता है इसकी 3 से 5 थ्रेड टेपर होती हैं। और जो बॉटमिंग टेप होता है, इसे ब्लाइंड होल टेप भी बोलते हैं हम, क्योंकि जहाँ पर ये थ्रू आउट होल नहीं रहता वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसे बॉटमिंग टेप बोलते हैं। तो बॉटमिंग टेप आपको पता चल गया, प्लग टेप पता चल गया, टेपर टेप पता चल गया, इसके थ्रेड कितने टेपर होते हैं, इसके कितने टेपर होते हैं, ये ध्यान रखना। टेप प्राय हाई कार्बन स्टील और एलाय स्टील से बना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने टेप के बारे में जान लिया है। अगर इसमें और कुछ आपको ज़्यादा जानना हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं इसमें और क्या चाहिए। इसको हम टेप हैंडल बोलते हैं दोस्तों, ये जो होता है टेप हैंडल होता है, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये टेप हैंडल होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेप कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे। तो उसके लिए जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ये देख सकते हैं, ये 3D टैब दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें एक बार और बता देता हूँ, ये बॉडी होती है टैब की, ये वाला भाग बॉडी होता है, ये वाला भाग फ्लूट होता है, ये हील होता है, ये सेंक होता है और ये टैग होता है। टैग का प्रयोग हम टेप हैंडल के लिए कहते हैं। सेंक का प्रयोग तो आपको पता ही है, प्लेन सेंक होता है जहाँ पर इसका साइज लिखा रहता है। ये थ्रेड की मतलब बॉडी से सेंक पतला होता है, ध्यान रखना, जो बॉडी का नाप रहता है उससे पतला होता है सेंक। और हील यानी गर्दन, ये चिप्स निकालते समय इसका सहारा लिया जाता है, जैसे यहाँ से टेप घुमाएंगे तो जो मटेरियल निकलता है इसके माध्यम से बाहर आ जाता है फ्लूट की सहायता से। ये होता है टिप। तो इसमें इतने पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम से बात करते हैं टैग कितने प्रकार के होते हैं और डाई के बारे में।